आजम खान के गढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामपुर को दी 95 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। रामपुर में सीएम योगी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के अखिलेश यादव के वादे पर सीएम ने कसा तंज। सीएम बोले, जब सपा की सरकार में बिजली ही नहीं देते थे तो फ्री में क्या देंगे। कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता, तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पर्यवेक्षक तिलकराज शर्मा ने जिला कार्यालय पर की कार्यकर्ताओं संग बैठक। मीटिंग में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। साल के पहले दिन पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। देश के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 2,000 रुपए। किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त पीएम ने जारी की। यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। जीएसटी कलेक्शन ने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त किए। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर। देहरादून में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भड़के। बाइक सवार युवकों के हुड़दंग को देखकर दुष्यंत गौतम को गुस्सा आया। चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा, सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। किसानों के लिए सिंचाई फ्री करने का ऐलान किया। कहा, ये दोनों हमारा पहला चुनावी वादा है। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा को बताया सबसे झूठी पार्टी। कहा, भाजपाई जो कहेंगे झूठ ही कहेंगे। हमारे बारे में कहा जाता है, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं। समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठ ही कहेंगे। मसूरी में नशे में धुत पर्यटकों ने जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए दुकानदार और बैरियर कर्मी के साथ की जमकर मारपीट। एक महिला, 2 पुरुष घायल हुए। मारपीट का लाइव वीडियो एक शख्स ने मोबाइल में कैद किया। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, चुनाव को लेकर अलग है हमारी कार्यशैली। तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। चाहे तो विरोधी पार्टियां खूब कटाक्ष करें या मीडिया भी खूब उल्टा सीधा लिखे, लेकिन चुनाव को तैयारी को लेकर हमारी पार्टी के अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते।